केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के चुनाव में सिखर ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जायजा लिया। साथ ही सांसद ने किसानों की समस्याओं को सुना और किसानों को हर संभव मदद के लिए आश्वासन भी दिया। अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी किसानों के बर्बाद हुए फसलों की नोटिंग करें, जिससे सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत किसान को मुआवजा दिया जा सके। संसदीय क्षेत्र के कई ब्लॉक के बहुत सारे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें हमारा सीखड़ ब्लॉक भी है, कोन ब्लॉक भी है, छानवे है, मजवा है। तो मैं सीखड़ के कई गांव में गई हूँ। हमारा मेड़िया है, मवैया है, सोनबरसा है, यहाँ से कोन ब्लॉक जाऊंगी और जितने भी अलग अलग ब्लॉक है उसमें सब में जाना है। और मुख्य रूप से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है और मिर्च की खेती यहाँ है, मूंगफली की है और टमाटर की भी। ये सारे गांव जो अभी तक मैंने देखे हैं और उसमें पूरी तरीके से फसल का नुकसान हो गया। मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इसका जो पूरा सर्वे है, जिसकी प्रक्रिया लेखपाल करते हैं, उसमें सर्वे पूरा प्रॉपरली ठीक से कराया जाए और जितना भी यहाँ पे क्षति हुई है फसल की, उसका ठीक से नोटिंग हो ताकि किसानों को उचित रूप से मुआवजा मिल सके। उसमें एक विषय जो रखा किसानों के मिर्ची के बीमा ना होने का, इसकी भी मैं कृषि विभाग से जानकारी करूंगी और कितना मोरोलेस यहाँ पे नुकसान है वो तो दिख ही रहा है। और जल्द से जल्द जो हमारे शासन की पॉलिसी है उसके नीति के अनुसार कॉम्पनसेशन की कार्रवाई हो जाए, ये मेरी कोशिश है। मैम, स्थानीय प्रशासन की तरफ से NDRF या NAO की क्या व्यवस्था की गई, आपने क्या जिसका जानकारी लिया? अभी यहाँ पे जिसमें नाव के लिए मुझे ये बताया गया कि कई जगह मझोली नाव लगाई है, कई जगह